नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री भारत सरकार श्री पुरुषोत्तम रूपाला, सांसद सुदर्शन भगत व सांसद महेश पोदार ने गुरुवार को मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय गुमला का भ्रमण कर महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले महिला एवं पुरुष मत्स्य पालकों को संबोधित किया। महाविद्यालय के भ्रमण के दौरान मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने महाविद्यालय में मत्स्य प्रसंस्करण की प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। महाविद्यालय के समाकक्ष में विद्यालयों को संबोधित करते हुए मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय में मत्स्य विज्ञान का अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या अधिक होने को महाविद्यालय की उपलब्धि एवं सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद सौभाग्यपूर्ण है कि इस विद्यालय में न सिर्फ मात्स्यिकी विज्ञान की पढ़ाई हो रही है, बल्कि यहाँ पठन पाठन के साथ निकटवर्ती एवं सुदूरवर्ती गांवों के महिलाओं एवं पुरुष को मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका संवर्धनन की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। की संख्या बढ़ रही है, भाइयों की संख्या कम हो रही है, इसलिए कॉलेज और हॉस्टल के बिल्डिंग में अदल बदल करना पड़ा। और फिर जो साइकिल बताया वो बड़ा रोचक रहा। बहनों की हॉस्टल में भाई चले गए, फिर प्रोफेसरों की हॉस्टल में वो चले गए, और उसे क्रमशः नीचे के ब्लॉक की और सब चलना पड़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने सोचा था वो कम पड़ा, इतना आपको प्रतिसाद मिल रहा है। तो एक प्रकार से ये आपकी सफलता की निशानी है। ये बहुत ही अच्छा आपका यहाँ आप सब कर रहे हैं। मैंने आपकी कॉलेज का वो कुछ देखा जहाँ आपको ट्रेनिंग देकर प्रोसेसिंग की टेक्निक के बारे में क्या क्या बनाने का क्षमता है। और ये जिला जो है वो आकांक्षी जिले में अभी तक रहा है, मगर मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार और भारत सरकार के फोकस प्रयासों की वजह से, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी नई परिकल्पना है कि विकास के आयाम को देश का कोई कोना अछूता ना रह जाए, इस प्रकार से चलाना है। ऐसे नहीं कि भाई हमारे मंत्री हैं, हमारी सरकारें हैं, हमारे चहेते लोग हैं, उसी और विकास को ले जाए, बल्कि विकास देश के हर कोने में जाना चाहिए। और मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, को मालूम होगा कि मेरा जन्म गुमला में ही हुआ है, मेरा बचपन भी गुमला में ही बीता है, और बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बात का मुझे गर्व रहेगा। और मैं आपको वायदा करता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा इस बात का उल्लेख अवश्य करूँगा। थोड़ी भी शुरुआत कहीं से होती है, एक अच्छे आइडियाज आते हैं तो उसको चालू करने में विलम्ब नहीं होता। और ये मैं नीली क्रांति के बाद शायद किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार कही थी कि ये नीली क्रांति के दौर के रूप से हम किसानों की आय को कितना बढ़ा सकते हैं। और जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फिशरीज में झारखंड जैसे राज्य में इस विषय पे पढ़ाई की जा रही है, और मैं सामने यंग चेहरों को देख रहा हूँ जो एस्पायरिंग चेहरे हैं जिनके मन में आकांक्षा है अपने कैरियर बनाने का, तो मुझे बड़ी उम्मीद होती है कि यदि ये लोग जब शिक्षा लेकर के विषय की जानकारी लेकर के और किसानों के बीच में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, और मैं देख सकता हूं कि सब लोग गांव के परिवेश से आए हुए हैं, तो ये अपने अपने गांव में जब जाएंगे, अपने गांव में ही अगर शुरुआत कर देंगे तो विश्वास कीजिए जिस तरह से हम लोगों ने हॉकी में और अन्य खेल में नाम कमाया है यहाँ की बच्चियों ने, मछली पालन के क्षेत्र में भी हम नाम कमाएंगे। अभी अभी आपके डायरेक्टर साहब बोल रहे थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।